एक्ट्रेस रोजा मौली के बारे में आलिया ने कौन सी स्टोरी साझा की आलिया ने इंस्टाग्राम पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉडीगार्ड स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त लीशा चोपड़ा आज फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलिया ने फाइनली तोड़ी अपनी चुप्पी। चलिए दर्शकों शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। आलिया भट्ट की इस साल दो फिल्में गंगूबाई काठियावाड़ी और RRR ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है। बात करें RRR की तो ये फिल्म साउथ की फिल्म है जिसे SS राजामौली ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिका में है। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर ये चर्चा बनी हुई है कि आलिया भट्ट RRR फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली से नाराज है, जिसके चलते उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से RRR फिल्म की कुछ पिक्स भी डिलीट कर दी है। इस फिल्म में आलिया का कैमियो में रोल है। पिछले कुछ दिनों में हमने नोट किया कि आलिया ने RRR की रिलीज के लिए किए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली कई वीडियो और पोस्ट को हटा दिया। कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि आलिया SS राजामौली से नाखुश थी क्योंकि उनका फिल्म में रोल छोटा कर दिया गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। गुरुवार को फाइनली आलिया ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा नोट साझा करते हुए आलिया ने लिखा, मैंने सुना है कि मैं अपने RRR पोस्ट को हटा दिया है क्योंकि मैं टीम से परेशान हूँ, और कहा कि पुराने पोस्ट हटाने का मतलब ये था क्योंकि वो अपने फीड को ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। आलिया ने कहा, मैं ईमानदारी से सभी से अनुरोध करती हूँ कि इंस्टाग्राम ग्रिड जैसी किसी चीज के आधार पर धाराएं ना बनाए। मैं हमेशा अपने प्रोफाइल ग्रिड को पुराने वीडियोस और पोस्ट को रियलाइन करती हूँ, और मैं ये काम इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे हर चीज इधर उधर देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। आलिया ने अपने नोट में निर्देशक राजामौली और अपने को स्टार रामचरण और जूनियर NTR का धन्यवाद किया कि वो, और आगे कहा कि मैं हमेशा से आभारी हूँ कि मुझे RRR की दुनिया का हिस्सा बनने का मौका मिला। मुझे सीता का किरदार निभाना पसंद था, मुझे राजामौली सर द्वारा डायरेक्ट किया जाना पसंद था, मुझे तारक और चरण के साथ काम करना पसंद था, मुझे इस फिल्म में अपने अनुभव के बारे में हर एक चीज पसंद थी। वो इसे केवल इसे स्पष्ट इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी फिल्म की सफलता को प्रभावित करे। उन्होंने कहा कि मैं इसे स्पष्ट करने के लिए परेशान हूँ क्योंकि राजामौली सर और टीम ने इस खूबसूरत फिल्म को अच्छा बनाने के लिए कई सालों से मेहनत की है, और इस फिल्म के आसपास किसी भी गलत बात का होना मैं बिल्कुल मना करती हूँ। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को रिलीज होने के बाद RRR बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त सफलता रही है जिसने 672 करोड़ की कमाई की है। फिल्म पिछले से लेके अभी तक सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, और बिजनेस एनालिसिस का अनुमान है कि ये जल्द ही 1000 करोड़ के स्तर को पार कर सकती है। RRR एक पीरियड ड्रामा है जिसमें जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिका में है। 300 करोड़ के बजट पर, 300 करोड़ से अधिक बजट पर बनी ये फिल्म अब पिछले शुक्रवार दुनिया भर में रिकॉर्ड संख्या में स्क्रीन पर शानदार रिलीज की गई थी। RRR 1920 में एक काल्पनिक कहानी है, और ये दो क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू यानी रामचरण और कोराराम भीम यानी जूनियर NTR के जीवन पर आधारित है। आलिया ने अल्लूरी सीताराम राजू की मंगेतर सीता की भूमिका निभाई है। फिल्म जिसे हिंदी में रिलीज किया गया है उसमें अजय देवगन, सुरती किरानी और श्रेया सरन भी खास भूमिका में है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और तब तक के लिए खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू एंड बाय बाय।